अब जी माशाल्लाह जी हम जाने लग रहे हैं बाहर, ज़रा मैंने कहा ज़रा रोज़ा भी ज़रा टाइम भी ज़रा पास हो जाएगा और रोज़े का पता भी लगेगा, ज़रा मैंने कहा ज़रा बाहर घूम के आते हैं, उधर जाते हैं ज़रा घूमने के लिए, उधर उधर सामने ही हम जाएंगे तो ज़रा टाइम भी ज़रा पास हो जाएगा। राशन वगैरह हमने माशाल्लाह बांट दिया है, काफ़ी यानी कि दे दिया है, बाकी जो होएगा फिर बाद में देखेंगे। और डोगी को देखो ठंड ठंडा है, यानी कि अभी वो ठंड ठंडा घास लग रहा है ना, सुकून कर रहा है वो, बड़ा तो बड़ा सुकून आ रहा है, कैसे काला बाजिया खा रहा है। और यहाँ पे खड़ा है, बड़ा ठंड ठंडी हवा चल रही है और बड़ा सुकून है, ठंडा है ना, घास भी ठंडा है तो ज़मीन भी फिर ठंडी है, तो बड़ा सुकून आ रहा है। दिल कह रहा है बंदा यही मंजी बिछा के यही बंदा लेट जाए, शाम को जाके उठे जाके। चलो फिर चलते हैं, फिर अपने बहन प्यारे बहन भाई को दिखाएँगे जहाँ हम जा रहे हैं। घर से जी हम जो हैं काफ़ी दूर आ चुके हैं और बस अब आगे जाएंगे। और यहाँ पर हम खड़े गए थे, सामने सूरजमुखी का एक ही फूल निकला है और अभी कोई भी फूल नहीं निकला है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अभी छोटी है, अभी बड़ी होएगी फिर उसके ऊपर ऐसे निकला। हाँ जी वही कह रही हूँ ना, एक ही फूल निकला है और कोई भी नहीं निकला है कहीं से भी, अभी कच्ची है ना। और यार अभी तो काफी ये बड़ी होएगी, अभी काफी बड़ी होएगी। हाँ जी इधर घास लगा हुआ है, हाँ जी इधर भी घास लगा हुआ है, इधर सूरजमुखी लगा हुआ है। हाँ जी सारे पता नहीं क्या लगाया, वो मकई लगी हुई है, मकई लगी हुई है। हाँ जी चलो फिर देखते हैं, अभी चलते हैं। चले जी जा रही है सड़क सड़क, और खाला को देखें कहाँ से जा रही है, वो साइकिल मोटर भी जा रही है। ये देखें जी क्या था, मैं यहाँ से जाऊँ बीच में आ गई, अच्छा लग रहा है यहाँ से जाने का। और पीछे कुत्ता भी आ रहा है, वो अपना डॉगी है, वो हमारी रखवाली के लिए आ रहा है। हाँ जी तो अब चलते हैं आगे जी। ये देखें ये मकाई देखें किस तरह तरीके से लगी हुई, इस पे छली लगेगी ना लगी। हाँ जी छली लगेगी, जब छली होगी फिर खाएंगे, फिर अंगारों पे भून के ना। हाँ जी तो जैसे मेरे अबू जी करते थे, नींबू लगाते थे, मिसाला आता है नींबू का नरम नरम करके ना फिर खाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। हाँ जी अपने प्यारे बहन भाई को दिखाएंगे कि अबू जी हमारे कैसे चली, यानी कि भाई अंगारों में भूनते थे और जिनके भी हमें बना बना के बहुत ज़्यादा मजे आते थे। अबू जी आमीन, यही ख्वाहिश है अल्लाह में जिनकी जो भी घर में मसले हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, परेशानी है, अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों के मसले इस माह रमजान के सदके से सबके हल कर दे, हल कर दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो हम भी चलते हैं जी, सैल करते करते जी हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी भट्ठा देखे कहाँ कितनी दूर खड़ा है, और ये मिर्चें लगी हुई हैं और साथ में ये जोडल वगैरह जो घास होता है जो जानवर वगैरह को डालती हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं एक बाग में, बस आने वाला ही है बाग, और बाग के अंदर मुझे लग रहा है ये ना स्प्रे कर रहे हैं आगे आए। ये देखो इस तरह भी स्प्रे कर रहे हो भाई, बीच में बाग के बीच में आएगा वो पाइप दिख रहा होगा, स्प्रे करते फिर हैं ना आम को ना कीड़ा ना लगा, वो सामने वाली चार पे। हाँ जी सामने इस टाइम पड़ा है वो देखें सामने, काफी ये मुझे माशाल्लाह देखो ना आम भी अच्छा ही होएगा। हाँ जी काफी ये देखो काफी आया, हाँ जी बूर माशाल्लाह काफी ज्यादा आया है, कुत्ता पहले ही पहुंच गया हमारे से, अभी स्प्रे मार के साथ रहता है ना वो पैरा दे रहा है हमारे। हाँ जी सही है, हम लगा क्योंकि अभी छोटा है, बिल्कुल छोटा सा आम है, बिल्कुल ही नहीं देखो बिल्कुल छोटा है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने स्प्रे करी है, हाथ नहीं लगा सकते। हाँ जी तो अब चले आगे या बस चले चले फिर आगे, और सामने ये दुकान है और ट्राली पतने की चीज़ की आई हुई है, इधर भी मिर्ची लगी हुई सारी हरियाली हरियाली देखें जी प्यार मैम, छोटी छोटी आम अम्बलियाँ बिल्कुल छोटी छोटी कार भी आ रही है और बिल्कुल छोटी छोटी अम्बलियाँ आई है देखें, बिल्कुल ही छोटी छोटी हैं बिल्कुल छोटी छोटी, देखिए छोटी 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 हैं बिल्कुल, कितनी छोटी छोटी हैं बिल्कुल ही छोटा छोटा, इतना इतना सा आम रहेगा। हाँ जी मैं वही अभी सब में बैठो कह रही, मैंने कहा इतना छोटा सा आम अभी से 16 से लगना लग गया। हाँ जी क्योंकि अभी तक फूल गर्मी भी नहीं आई है, मौसम इनके बारिश वगैरह हो रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह जी। हाँ जी और इधर सामने बैर लगे हैं, हाँ जी बैर लगे हुए हैं, हाँ वो देखो बेर लगे हैं,
पर हम खा नहीं सकते क्योंकि हमारा रोजा आएगा। हाँ जब रोजे खत्म हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह बेर भी तोड़ के दिखाएंगे अपने घर पे। हाँ जी, और ये जो है गुलाब के फूल लगे हुए हैं, अब उठाए गुलाब है। हाँ जी, पीले वाला है? पीले वाला नहीं है, गुलाब का। अच्छा। गुलाब का आगे निकल भी आएंगे ना, दिखाएंगे प्यार बहन भाइयों। चलते हैं आगे भी चलते हैं, ये देखेंगे कितनी शांति है। बस ये है कि थोड़ा सा सड़क का मसला है, सड़क पे है ना बिल्कुल, तो थोड़ी सी ये समियाँ जो है गुलाब का फूल तोड़ी है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और इनकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। तो हम जो दुकान के साथ ही पहुंच चुके हैं। समय बैठा मुझे भी दो क्योंकि आप लोग रोज आते हैं ना वॉक करने के लिए। हाँ जी, तो ये दो तीन लेके, थैंक यू, कितना प्यारा है। एक मुझे भी तोड़ के नहीं है वाला, इसका ना मुझे लगा ये नीले वाले हैं, लाल वाला नहीं लगे। ये गुलाब है। हाँ जी, गुलाब ही है ना। हाँ जी, इसे गुलाब का फूल कहते हैं। दो किस्म और ले ये आपके लिए, एक होता है लाल और एक होता है पीला। हाँ जी, और एक होता है ये काफी तरह के होते हैं। हाँ जी, काफी तरह के होते हैं। सामने आके ये फुहारा देख रहे होंगे, इधर स्प्रे मार रही है इसके ऊपर, इसी फुहारे से मारे जाते हैं। दूर खड़े हैं काफी, तो नजदीक जा नहीं सकते, बहुत बड़ा पैंप लेकर इससे मारते हैं ये। ऐसा ही है ना खाला, वही देख रही हूँ कितना बड़ा पाइप लेके मार रहे हैं। भाई कुछ है, मुझे लग रहा है कुछ कट्ठा भी करा हुआ, जो यानी कि छोटा छोटा बूढ़ा है ना वो कट्ठा करा हुआ। हाँ जी, वो मुझे लग रहा है शायद किसी और काम सिर आएगा। हाँ जी, अब घर चलते हैं। चलो अब चलते हैं घर, रैली भी देख ली हमने, सुकून मिल गया आंखों को। हाँ जी चलो, तो माशाल्लाह हम बाहर से घूम के आ गए हैं, तो आके थोड़ी देर हमने आराम करा, फिर मैंने आग भी लाई है और पानी मैंने गर्म रख दिया है। इस तरह मेरा पानी ये गर्म हो जाएगा, अभी गर्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि अभी मैंने आग लाई है तो दाल मैं साफ़ कर लेती हूँ, सारा देखती हूँ कंकर वगैरह नहीं, मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसे साफ़ करके फिर बीच में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं करेले लेके आया, करेले फिर काटती हूँ मैं, उसके बाद मैं फिर पहले देखती हूँ करेले कितने आए हैं, उसके हिसाब से फिर मैं काटूँगा। थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ मैं, ताकि दाल जल्दी गल जाए। दाल वगैरह मैंने वहाँ पे रख दी है उबालने के लिए, तो आग भी जलने लग रही है सही तरह, तो यहाँ पे मैंने कहा मैंने फटाफट करेले छील लेती हूँ मैं, तो जिस तरह करेले मेरे छिल जाते हैं, तो इसके बाद मैं नमक लगाती हूँ। पहले ये मैंने पिछले दफ़े मैंने ऐसे बनाए थे, यानी कि ऊपर का मैंने छिलका उतार लिया था, तो फिर अच्छी तरह फिर मैंने छिलके को भी नमक लगाया था और करेले को भी मैंने नमक लगाया था, फिर अच्छे बन गए थे। वैसे तो मैं अंडे लाई थी, मगर अंडे फिर मैं अभी नहीं बनाती, वो सुबह बनाऊँगी, फिर मैं कल को अगर टाइम मिल गया तो फिर कल को बना लूँगी। तो मनीत के पापा गए थे मंडी से, तो वहाँ से यानी कहने करेले ले आए, दिल तो नहीं कर रहा था बस खाने को, बस ले आए हैं, बस कह रहा फिर बनाओ जब मैं लेके आया। हाँ जी, तो अब आप करेले उतार के और कुछ डालना है बीच में? नहीं, चने की दाल डाल लीजिए। आप लोग कौन सी दाल डाल रहे हो? हम भी मुझे लग रहा है चने की डालेंगे या मूंगी की दाल, हमारे घर भी करेले बन रहे, आपके घर भी करेले बन रहे, घर पर देखो क्या बनेगा। और शौकत भाई जाएंगे तो फिर लेके आएंगे, पूछो खालू से, पूछ लो कल, पूछ लो। जाते हैं खालू के पास। हाँ जी खालू जी, आप आज क्या लेकर आएंगे पकाने के लिए? मेरा बच्चा भी निकलूंगा, मैं लेके आऊंगा, देखो क्या लाता हूँ। वैसे देख लो, ये टिंडे वगैरह देख लूंगा या और कहीं सब्जी देख लूंगा। सही है, करेले ना लेके आना। नहीं नहीं, करेले दो घर में पक रहे हैं ना। हाँ जी, तो आप कोई और कोई लेके आऊंगा। हाँ जी, तो बस अब खाला जी ये छील लेते हैं करेले, उसके बाद जो आगे की रूटीन अपने प्यारे बहन भाइयों से शेयर करेंगे जी। ठीक है, ठीक। तो माशाल्लाह जी, मैंने अच्छी तरह करेले वगैरह अच्छी तरह मैंने काट लिए हैं, तो अलग अलग मैंने कर लिए हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ इसमें नमक, अच्छी तरह नमक लगा के मैं मसलती हूँ भाई, पहले इन्हें मसलती हूँ। नमक इसलिए डाल दिया ताकि ना इनका ये नमक का ये पानी निकलेगा ना, इसके अंदर जज़्ब होता रहेगा और इसकी जो कड़वाड़पन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और फिर बनेंगे मज़ेदार करेले। और रजाने भी शुरू हो रही है, इन्हें मसल के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, असल की रजाने शुरू होती थी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हैं, फिर उसके बाद फिर रस्सी वगैरह बनाते हैं। फिर प्याज भी मैंने यहाँ पर काट के रख दी है, उसके बाद फिर मैं इनके ये काम करके फिर टमाटर लहसुन वगैरह ये फिर काटूँगी अच्छी तरह। देखो ये ना, इसका जब तक मसलते रहना जब तक इसका कड़वा पानी निकला,
ये देखो ये अंदर से मैं नमक मैंने लगा दिया ना, अब ये पानी छोड़ता जा रहा है। अच्छी तरह ना ऐसे कर लेती हूँ, पहले से मैं ना कढ़ाई में फिर कर लेती हूँ, ऐसे लगा के पके थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि उसका करवाड़ पर ना सर अच्छी तरह निकला। यहाँ पे मैंने घी भी डाल दिया और घी भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे करेले मैंने धो दिए थे तो अच्छी तरह खुशक हो गए हैं और नीचे वाले भी अच्छी तरह खुशक हो गए हैं। थोड़ा सा और ज़रा घी गर्म हो जाए। तो यहाँ पे भी मैंने सारा मसाला वगैरह तैयार करके रखा हुआ है, टमाटर प्याज हैं, टमाटर हैं और हरी मिर्चें हैं और ये पुदीना आएगा। और यहाँ पे जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखा हुआ, ढक के रखा हुआ, जब जरूरत पड़ेगी फिर डालूँगी मैं। अब मैं डाल लगती हूँ घी, हो चुका है काफ़ी गर्म क्योंकि काफ़ी देर का मैंने रखा हुआ। तो पहले बिस्मिल्लाह करके डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर गर्म हो गया, माशाल्लाह। यहाँ पे मैंने जी करेले मैंने अच्छी तरह तल के यहाँ पे रख दिए हैं। ये देखो देख सकते हैं, ये दूसरे ये छिलके वाले करेले वो तल दिए हैं और जो जो मैंने काटे थे वो भी तल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख दिए हैं, अभी गूंद के रखा आटा। तो जिस तरह मेरा आटे की कढ़ी मर जाती है फिर उसके बाद मैं ना ये सालन वगैरह बना के ना फिर मैं बना लेती हूँ रोटी। थोड़ा सा टाइम रखे फटाफट बस काम कर लेती हूँ। लाइन रही हूँ यहाँ पे, ये टमाटर हैं, ये हरी मिर्चें हैं और ये डाल देती हूँ मैं अच्छी तरह। इसे मार लेती हूँ अच्छी तरह। मेरे नीचे पापा भी आ चुके हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वो क्या कहते हैं। साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ ही डाल देती हूँ। ये काम हो गया मेरा फाइनल बिल्कुल। अब इसमें मैं टमाटर अच्छी तरह और थोड़ा सा इसे ढक देती हूँ, ताकि ना ये टमाटर वगैरह ना इसी के अंदर गल जाएंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी सूखे मसाले। यहाँ पर ये मैंने बना के रखे हैं सारा कुछ, इनके हल्दी भी है, नमक भी है, मिर्च भी है और सारा कुछ इसमें आएगा। तो मतलब जी मैंने अच्छी तरह मसाले की तरह बुनाई कर ली थी, तो खुशक मसाले मैंने डाल दिए और दाल भी मैंने बॉयल कर दी थी वो भी मैंने डाल दी है। इस दफ़ा दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा गिलाई है, पिछली दफ़ा मेरी दाल खड़ी खड़ी थी तो थोड़ी सी यानी कि भी कसर थी। तो अभी ये सालन मेरा माशाल्लाह जी मसाला वगैरह मैंने अच्छी तरह रेडी कर लिया है। अब मैं डालने लग गई यहाँ पे करेले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे ऊपर क्या करती हूँ मैं अच्छी तरह, और फिर उसके बाद बनाती हूँ मैं क्या नाम है, जामे सीरियल बनाती हूँ, शरबत वगैरह बनाती हूँ। ठंडा तो बनाना नहीं, बस नॉर्मल बना लें क्योंकि मौसम है, ठंडा मीठा मौसम है। अगर ठंडा बनाएंगे तो गला ख़राब हो जाएगा और वैसे भी मेरा भी रात का ना गले में ना ज़रा दर्द है। तो अब इनके रोज़ा खुल जाएगा, फिर पानी गर्म करके गरारे फिर करूँगी, लकड़ा आराम आ जाएगा। मुझे देखो अच्छी तरह मैंने ना मिक्स कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह। बस इसमें ना थोड़ी सी ना सूखे धनिए की कमी है, मिक्स कर दिया। तो अभी से ना बस हल्की आँच में मैं ना दम पे लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ी बहुत ही कसर होगी तो वो मुकम्मल हो जाएगी। देती हूँ तो यहाँ पे जी मैंने चीनी वगैरह डाल दी है, तो बस भूल गया तकरीबन, बस थोड़ी सी रह जाएगी चीनी। उसके बाद फिर मैं जाने चीज़ें डालूँगी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। ये हो गया क्योंकि ठंडा अगर पानी कहते हैं ना फिर चीनी घुलती नहीं है, ये ताज़ा हमने पानी लिया हुआ ना तो चीनी जल्दी जल्दी घुल गई है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जाने शरीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा कलर आ रहा है, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे हमने गोले खा रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने पतीली अच्छी तरह धो ली थी क्योंकि इसमें मैंने चने की दाल उबाली थी अच्छी तरह धो ली थी। तो कल हमने बनाई थी ये बोली मंगाई थी भाई जान रुपये के लेके आए थे, भाई जान रुपये इनके जो छोटे भाई हैं ना उनकी जिनकी गैस हुई थी ना, तो उन्होंने यानी कि अभी बोली दी है। तो एक बोतल यानी कि मुझे दी है, एक बोतल रुकेश सिस्टर को दी है, एक बोतल खुद रखी है और एक बोतल भाई स्टिक को दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा पानी भी डालेगा, देखो माशाल्लाह ने पहला पहला बेचारी ने बच्चा दिया है, तो अल्लाह ताला उसके बच्चों को सही सलामत रखे, आमीन माशाल्लाह जी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं क्योंकि ये सख्त बहुत है। जैसा ना बेटा इसमें थोड़ा पानी लेके आ जाओ, इतने में चम्मच मारती हूँ ना इसके अंदर पावा मारती हूँ ताकि ये ना नीचे ना लगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है माशाल्लाह जी। काफ़ी उससे बाद में नारी मैं मुल्तान थी जब मैंने बनाई थी,
उसके बाद में आज बनाने लग रही हूँ, इनके पूरे साल बाद बनाने लग रही हूँ। बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और चीनी भी डाल दी है मैंने, मीठा भी चेक कर लिया, बिल्कुल बन गई है, तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो लकड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं, तो मैं लकड़ियाँ बुझा देती हूँ, धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चूल्हे पर जाके हम रोटी बना लेते हैं, बस आखिरी काम था वो हमारा हो गया, बस सिर्फ रोटी बनानी है, बस रोटी बना के फिर नमाज वगैरह ईशा की नमाज पढ़ के फिर हम रोटी खाएंगे। और वीडियो भी माशाल्लाह हमारी सुंदर हो चुकी है, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।